हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है एक फ्रेश और न्यू वीडियो में। तो ये गाइस रणवीर सिंह का वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो अभी मैं आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ, और आइस को ड्रॉ करने के लिए मैं सिर्फ 8B और 6B पेंसिल का ही यूज़ किया हूँ। और जो आईब्रोज है उनके लिए मैं पहले 6B से धीरे धीरे सेट कर दिया, और फिर 8B से उसको पूरा ही डार्क कर दिया था। और अगर आप लोग देख सकते हो कि जो आईब्रोज है वहाँ पर थोड़ा बहुत हाइलाइट्स है, तो इनके लिए मैं हाइलाइट्स को भी दे रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं दोनों आईज को ही बना लूँगा। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी आई वाली पार्ट की शेडिंग ख़त्म हो चुका है, और अब नोज़ को मुझे रियलिस्टिक सेट करना है। तो इसके लिए मैं पहले फास्ट लेयर दे रहा हूँ 8B पेंसिल की मदद से, और उसके बाद 2B पेंसिल की मदद से मैं सेकेंड लेयर करूँगा, और उसके बाद मैं 6B पेंसिल की मदद से एकदम जो डार्क एरियाज़ है उनको डार्क कर दूँगा, और ब्लेंड करके हाईलाइट कर दूँगा जिस जगह पर भी हाईलाइट्स है। अभी मैं स्माइल को ड्रॉ कर रहा हूँ, और स्माइल को ड्रॉ करने के लिए वही सेम तरीका यूज़ करूँगा मैं। पहले फर्स्ट लेयर 8B पेंसिल से, फिर 2B पेंसिल की मदद से सेकेंड लेयर, और जो डार्क जगह होंगे उनको 6B पेंसिल की मदद से मैं बना लूँगा, और जो हाइलाइट्स है उनको मैं इरेजर की मदद से बना लूँगा। और दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैंने इसका पार्ट वन में भी बोला था, जब भी आप लोगों को स्माइल बनाना हो तो जो दांत होते हैं यानी कि जो टीथ होते हैं उनको एकदम से ध्यान से देख करके फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके ही बनाना, नहीं तो फ़ोटो एकदम अच्छी नहीं बनेगी, पूरी फ़ोटो ही उलट पुलट बन जाएगी। तो आप लोग इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जब भी एक स्माइल बनाना हो। तो सबसे पहले सॉरी गाइस, क्योंकि इसका जो थोड़ा सा हिस्सा है मैं शेडिंग के टाइम वाला पार्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग को ऑन करना। तो फर्स्ट लेयर को मैंने सेम तरीका यूज़ किया है जैसे कि नोज़ पर किया था, 8B पेंसिल की मदद से दिया था, और फिर 2B पेंसिल की मदद से 6 लेयर हाईलाइट्स एरिया को छोड़ के रख के, और फिर 6B पेंसिल की मदद से मैंने जो डार्क जगह है उनको बनाया है एकदम धीरे धीरे। और ब्लेंड करने के लिए आप लोगों को पता है मैं स्किन का ब्लेंडिंग करने के लिए हमेशा टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ, तो ऐसे ही मैंने 4:8 को सेट किया है। और जो गाइस इसके चीक्स है उनको भी मैंने ठीक वैसे ही सेट किया है जैसे मैंने 4:8 को सेट किया है, और यहाँ पर हाईलाइट्स के लिए मैं नॉर्मल इरेजर का यूज़ किया था। Thank you.
तो अभी मैं इसका दाढ़ी और मूंछ बना रहा हूँ। और दाढ़ी और मूंछ के लिए एकदम धीरे धीरे ऑब्जर्व करके सिर्फ जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप लोगों को पेंसिल से स्ट्रोक लगाना होता है तो ही बन जाता है। और अगर किसी जगह पर दाढ़ी थोड़ा कम है या फिर छोटी है तो इसलिए आप लोगों को पहले पेंसिल से 2B 6B पेंसिल से आप लोगों को पहले जो स्किन टोन है उसको ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ही जो बियर्ड है या फिर मुस्टेज है उसको ड्रॉ करना है।